तो ये है हमारी गर्मा गर्म दाबेली। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, प्लीज आप लोग जरूर ट्राई करना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आज तो डेफिनेटली ठीक होंगे क्योंकि 2 दिन है वो छुट्टी आने वाली है, सैटरडे और संडे। तो आज फ्राइडे को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए आज हम लोग ना एक स्पेशल और यूनिक डिश बनाने वाले हैं जिसका नाम है दाबेली। और दाबेली तो पता ही आप लोगों को, इसका जन्म है वो गुजरात में हुआ हुआ है। तो अभी तो मोस्टली सारे इनके सारे जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ना उसमें आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी। तो अभी थोड़ा सा महंगाई का थोड़ा सा ज़माना है तो मैं सोची कि कुछ हम लोग घर पे कुछ देसी जुगाड़ करते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज कैसे बनाते हैं हम लोग घर पे, क्योंकि यहाँ पे तो US में तो ऐसा तो है ना कि घर से बाहर निकले और आपको दाबेली पुचका ये सब मिल जाएगा। तो मैं मोस्टली प्रीफर घर पे ही करती हूँ और अभी महंगाई के ज़माने में तो बाहर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव मिलती है बाहर। तो उतने में तो मैं पूरे घर वालों को खिला दूँ। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा सा देसी जुगाड़ करके। टेस्ट आपको सिमिलर ही मिलेगा बाहर की, बाहर से थोड़ा मतलब मोस्टली आपको सिमिलर ही मिलने वाला है टेस्ट तो आपको। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ट्रिक और टिप्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून है वो मैंने इसमें ऑयल डाला है और मैंने गैस को मीडियम टू हाई हीट पे रखा हुआ है। और नेक्स्ट है वो मैंने 750 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, ये बॉईल किए हुए हैं। और ये जो मसाला आप चारों तरफ से कढ़ाई में देख रहे हो तो मैंने इसके अंदर अपना पीनट फ्राई किया था, तो पीनट का जो मसाला है वो इसी में रह गया क्योंकि दाबेली में हम लोग पीनट भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो जब तक अपना तेल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा गर्म हुआ है या नहीं हुआ, या इस थोड़ा सा गर्म हो गया तो अभी हम इसमें ये जितने ये आलू है वो सब इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। कोई हल्दी मिर्ची कुछ भी नहीं डालना आपको, सीधा इसके अंदर डंप करना है। तो अभी देखो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला और अभी मैं इस मैशर से इसको पूरा मैश करने वाली हूँ 5 से 6 मिनट तक। तो अभी मैं आप देख सकते हो कि मैंने 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया और अभी स्टिल मेरी जो गैस है वो मेरी ऑन है। तो अभी जो मेन मसाला है वो इसमें ऐड करना है, वो जो ट्रिक और टिप्स बताने वाली हूँ वो ये इस मसाले की है। तो मैं ये मसाला यूज़ करने वाली हूँ, इसका जो फ्लेवर है वो सेम जब आप बाहर खाते हो दाबेली उसका सेम टेस्ट इसी के अंदर आता है। तो इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स पीछे लिखे हुए हैं, तो इंडियन है तो हम लोग देसी जुगाड़ तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं बाहर की बजाय घर में खाना। तो मैं इसको पूरे मसाला को इसके अंदर अच्छे से उसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, फिर 5 मिनट तक मैं उसको अच्छे से मसाले को फ्राई करती हूँ। तो जब तक आप भी मसाला ऐड कीजिए, तो मिलते हैं 5 मिनट बाद में। अभी 5 मिनट बाद ये देखो इसका कलर कैसा हो गया। इसके अंदर आपको कुछ भी हल्दी मिर्ची पाउडर और नमक कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो दाबेली का जो मसाला है उसके अंदर सब कुछ उसके उसके अंदर ही आता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ना उस मसाले को टेस्ट किया, जो आलू का मसाला भी बनाया है ना मैंने, तो उसका जो टेस्ट है ना, उसका जो फ्लेवर है खट्टा मीठा तीखा उस टाइप का टेस्ट है उसके अंदर। उसके अंदर आपको मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि नमक मिर्ची कुछ कम या ज़्यादा है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ऐड नहीं करना। पहले आप टेस्ट कर लेना पहले उस पाव के अंदर फिल करने से पहले। तो अभी मैंने ना ये आलू का जो मसाला है ये लिया है मैंने, ये है जो है पोमीग्रेनेट है और ये है पीनट को मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था। तो इसमें नमक मिर्ची चाट मसाला वो सब कुछ है और ये है धनिया की चटनी और ये है इमली की चटनी और ये है जो अपना नायलॉन सीव बोलते हैं उसको, ये वो है और ऑनियन है वो कट किया हुआ है और 2 मैंने पाव ले रखे हैं। पाव मैंने ऑनेस्ट के पाव यूज़ किया, जब गुजरात की जब जो रेसिपी है तो डेफिनेटली गुजरात का ही पाव मैं लेना प्रीफर करती हूँ। तो चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पाव में बीच में से कट कर लिया है, तो अभी हम एक साइड से हम लोग इमली की चटनी लगाने वाले हैं और दूसरी साइड से हम लोग धनिया की चटनी लगाने वाले हैं।
ये बहुत ही टैंगी बनने वाली है आज। डेफिनेटली ये रेसिपी आप ना ट्राई करना। तो अभी मैं ये आलू का जो मसाला है वो मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर। और मैंने गैस के ऊपर मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जब तक ये अपना फिलिंग तैयार होता है तब तक अपनी गैस तवा भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑनियन ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं पीनट डालने वाली हूँ। और मेन इंग्रेडिएंट है, ये भी मेन है इसके अंदर। तो अगर अनार आपको नहीं मिले तो आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो अंगूर के साथ में। अंगूर के छोटे छोटे पीसेज है वो कट करके वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है अनार, तो मैं इसीलिए मैं लेके आई। आज थोड़ी महंगी भी थी पर क्या करूँ, कोई नहीं। और अभी साइड में है मैं ये थोड़ा सा सेव डालने वाली हूँ। इससे क्या थोड़ा सा ना कुरकुरा टेस्ट आएगा आपको। और अभी मैं इसको अच्छे से मैंने पैक कर दिया है। तो अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। तो अभी मेरा तवा है वो गर्म हो गया है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ना स्प्रेड करने वाली हूँ बटर। और मेरा जो तवा है वो आयरन का तवा है, लो का, मैं वो ही प्रीफर करती हूँ। अभी हम लोग इसको डालने वाले हैं, इसको अच्छे से इसको कुक करने हैं। थोड़ा सा अच्छे से उसको प्रेस करना है। वाव, मैं अपना हाथ यूज़ करती हूँ कई बार और आपको मैं सजेशन नहीं दूंगी कि आप लोग अपना हैंड यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा सा गर्म भी रहता है। तो जो लोग नए होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा हाथ जलने का थोड़ा सा डर रहता है। तो मैं तो क्या काफ़ी साल हो गए तो करती हूँ काम, तो इतना नहीं लगता मेरे को। अभी देखो कितनी सॉफ्ट हो गई है, स्पॉन्जी भी हो गई देखो। आप चिमटा भी ले सकते हो चारों तरफ से कुक करने के लिए। अभी देखो तो ज़रूर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी बनी आपकी ये दाबेली। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप जो मेरा वीडियो देख के आप जो भी रेसिपीज ट्राई करते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, कहाँ पे भी रहें। बाय।